एपिसोड की स्टार्ट में जिमे ये वो बोल दी अपने बॉयफ्रेंड ने कहें यंग से बोल दिया कि ये तो ईगो है उज्जियानी जो पपेटियर है ये पपेट बनाता है और लोगों का इस्तेमाल करता है पपेट बनाने मतलब असली इंसानों के वो पपेट बना देता है। यहाँ तक कि ये लड़कियों का भी बहुत शौकीन है। ये सुन के तो वो बंदा है वो बोलता है हमसे दूर हटो फिलहाल। ईगो है वो बोलता है ये सब तुमसे किसने कह दिया, मैं तो एकदम जेंटल बंदा हूँ और बहुत ज़्यादा काइंड हूँ और मैं वो यूथ के लिए एक रोल मॉडल है वो हो सकता हूँ और अगर तुम मुझे ऐसा करने की ट्राई कर रहे हो तो मैं तुम्हें अंडों में बदल के ऐसा कुत्तों की तरह ऑमलेट बना के खाऊंगा। जिमे ये वो नीचे बैठ जाती है और बोलती कि प्लीज हमें वो कुछ ही मत करिएगा, प्लीज हमें मत मारिएगा और रही बात मेरी तो मुझे मेरे पास तो आइएगा भी मत, मैं यार बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज मेरे पास कुछ मत करिएगा। बस सुन के तो सारे के सारे बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं। ईगो वो बोलता है कि लगता है इसने जेंटल का मतलब है वो तो कुछ ही और वे में ही ले लिया तो छोड़ो। ईगो वो सीधे ही पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारा मास्टर है वो कौन है, तो जिमे ये एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मेरे मास्टर का नाम वो बताती नहीं है। जो यंग होता है वो बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो मैं बता रहा हूँ, वो बोलता है कि कमांडर इन चीफ है वो है, इसने बिजनेस एसोसिएशन के मतलब इंपीरियल कोर्ट से वो हमें भेजा है मतलब इसे मारने के लिए। यंग ईगो के पैर पड़ जाता है और बोलता है कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं प्लीज है वो हम दोनों को मत मारो वरना उनका क्या होगा। जी मैं ये वो बोलती है कि मुझे तो लगा था यहाँ पे सबसे ज्यादा डर है वो मुझे ही लग रहा है बट तो इसकी तो मेरे से ज्यादा ही फटी पड़ी। ईगो बोलता है अरे भाई तू दूर हट मेरे पैर पे होगी लिपट गया कहीं और कुछ मत पकड़ लेना। वो बोलता है कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ, तो बोलता है कि मैं वोडो कल्ट का एक मेंबर हूँ और बचपन से ही वो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर हमने वो शादी कर ली बट जो हमारी जिमे उसको एक अच्छा सा टैलेंट था वो अपना फेस है वो बदल सकती थी, उसकी नोज है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बट उसके फेस बदलने से ये खत्म हो जाता। यंग है वो बोलता है कट मुझे इससे वो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं उसे प्यार करता हूँ तो मुझे उसके साथ वो रहना है और सब कुछ है वो करना है इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये वो बोलता है अपने पॉइंट से मत भटको सीधा सीधा अपना पॉइंट बताओ। यंग है वो बोलता है कि एक साल पहले मैं अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकला था और चेयरमैन ने उससे मेरी वाइफ से वो शादी कर ली और वो है वो इसके घर में चली। वो बोलता है कि जब मुझे सबके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि वो है वो मुझे चीट कर रही है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने सोचा मैं उसे जाके सीधा वो डिवोर्स दे दूंगा। जी मैं को एकदम डिवोर्स दे के मुझे अपने हिसाब से वो दूर कर दूंगा। मेरे बूढ़े फादर ने इन्हें रोकने की वो बहुत ज्यादा कोशिश की वो है वो एकदम गुस्से के मारे मन ना जाए इसलिए वो जिमे ही नहीं है वो बहुत ज्यादा सहा है इसलिए मैं अभी भी उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उसे अपने पास से वो वापस चाहता हूँ। ये बात सुन के ईगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलते ये बकवास क्या चल रही है। ईगो वो बोलता है कि ये किस प्रकार का पॉइंट हुआ तुम मुझे वो क्या समझाने की वो कोशिश कर रहे हो। यंग है वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लगता है मैं बहुत ज्यादा कुछ है वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बोल चुका हूँ प्लीज है वो मुझे माफ कर दो मुझे मत मारना प्लीज। वो जिमे को बोलता है कि तुम बोलो। जिमे ये वो बोलती है कि ऐसा कि कमांडर इन चीफ ने हमसे प्रॉमिस किया था कि अगर हम चेयरमैन को वो मार देते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा पैसे सेपरेट होम और एक जगह देंगे जहाँ पे हम झुपके वो रह सकते हैं और हमें कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। तो वो बोलता है कि आखिर ये मतलब कमांडर इन चीफ है वो है कौन, तो वो बोलती है कि वो थर्ड प्रिंस है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा दुश्मन हो चुका है हमारे ईगो का जो पहले से ही जानते हो आप लोग। ईगो है वो बोलता है कि मेरे नॉवल के अनुसार ये मतलब जो थर्ड प्रिंस है वो बहुत ज्यादा लालची बंदा, उसने सोचा कि मिस्टर वैन है वो उसकी बाधा बन सकते इसलिए उससे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। जो मिस्टर या कहीं हमारा जो यंग होता है वो बोलता है कि मिस्टर ली हमने आपको वो सब कुछ अच्छे से बता दिया क्या प्लीज अब हमें यहाँ से वो जा सकते प्लीज जाने दीजिए ना। तो पीछे से आवाज आती है कि बिल्कुल भी नहीं तुम्हें वो कहीं भी नहीं जाने वाले, वहाँ पे होते हैं मिस्टर वैन और जाविए और सारे बंदे होते हैं वो तीर कमान लेके खड़े होते हैं सबको वो मारने के लिए और एकदम चाल में चेयरमैन या फिर कहीं मिस्टर वैन है वो बोलते हैं कि साले चूहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ है वैसे धोखाधड़ी करने की, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके ऊपर तीर चलाने का हुक्म दे देता है जो हमारे ईगो है वो बोलते हैं कि मिस्टर वैन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप है वो खुद ही मुश्किल में पड़ जाएंगे प्लीज ऐसा है वो मत कीजिए, और फिर वो हो जाता है। मिस्टर वैन है वो तीर चलवा देते हैं बट जो यंग है उसके सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए बट वो फिर भी उसे नहीं बचा पाता, तीर यंग के अंदर से जिमे के अंदर है वो चले जाते हैं और मर जाते हैं दोनों जाते मेरा मतलब है वो नीचे है वो जमीन पे गिर जाते हैं। यंग है वो बोलता है कि अभी नहीं अभी तुम्हारे मरने का वक्त है वो नहीं आया। वो बोलता है कि आपने उन सबके साथ ऐसा क्यों किया, मतलब वो दोनों तो किसी के ऑर्डर का ही वो पालन कर रहे थे वो भी फोर्सली, तो वो बोलता है कि भले जो भी हो जिमे ने वो मेरे साथ धोखा किया, मैंने उसे अपनी वाइफ बना के रखा बट उसने मेरे साथ धोखा किया और वो दूसरे की वाइफ है वो बनी रही है। ये वो अपने डैड यानी मिस्टर वैन से वो बोलते कि डैड आप तो पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इन सब के बारे में, तो मिस्टर वैन है वो बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी ये पागलों की तरह क्या सोच रही हो, बोलते कि अगर मिस्टर ली नहीं होते तो मैं आज तो जिंदा ही नहीं होता और ये सब इन दोनों की वजह से इसलिए मैंने इन्हें मरवा दिया, इनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। और वो वहां से जाने लगते हैं तो जावी है वो बोलती है कि डैड वहीं पर रुक जाइए मुझे आपसे बात करनी है, गार्ड से वो बोलते हैं कि इसे यहीं पे छोड़ो और तुम लोग चलो मेरे साथ, फिर वो लोग वहाँ से जाने फिर जो ये है वो से माफी मांगने लगती है तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो ये सब तुम्हारे फादर की गलती है ना कि तुम्हारी जो तुम माफी मांग रही हो। ये वो बात है कि एकदम पक्की होती जिमे ये उसे एक लेटर देती और बोलती है ये आप चाहते थे वो मैं आपको दे रही हूँ और मैं लास्ट चाहे कि हम दोनों को एक साथ है वो दफना दिया जाए। ईगो है वो बोलता है कि मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं आप दोनों को एक ही ग्रेव में वो दफनाऊंगा ये आपकी आखिरी विश है वो मैं ही पूरी करूंगा, और उसके यहाँ से वो लेटर लेने लगता है।
उस लेटर को जैसे ही वो खोल के देखता है वो इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। सीन में यैंग के हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टियां चल रही होती है। उसके डैड है, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सम्मान में ड्रिंक है वो लेना चाहूंगा। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, मतलब तुम्हारे बेटे बेटे हम मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं ये सब कर सकता हूँ। फिर जो जावे वहाँ पे आने लगती है, फिर जो हमारे मतलब निंग के डैड है वो बोलते हैं कि जावे बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ पे वो क्या कर रही हो और इतनी ज्यादा हाफ क्यों रहे और भाग के यहाँ पे वो क्यों आई हो। जावे वो बोलती है कि मेरे फादर हैं वो सारे बंदों को लेके आपकी फैमिली पे वो अटैक करने के लिए आ रहे हैं और बिजनेस एसोसिएशन में जो भी शामिल है उन सब पे वो अटैक होने वाला है और मेरे फादर ये सबके मास्टर माइंड है, वो बन चुके हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले हर मेंबर को वो तबाह कर देना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारे डैड भी आते हैं। तुम सबको वो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से वो भाग जाना चाहिए वरना बुरा हो जाएगा। डैड है वो बोलते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर वैन वो ऐसा भी कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इसी बात का डर था कि मिस्टर वैन वो एकदम लालची बन जाएंगे और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बिजनेस एसोसिएशन के मेंबर को वो रहने नहीं देंगे। तो मतलब जावे वो बोलती है कि आखिर तुम्हें सबके बारे में पहले से ही बता था। यैंग टोंग है वो बोलता है कि क्या हमें अभी भी ऐसे खड़े होकर ये सब है वो देखना चाहिए, क्या हमें इनसे वो रोकना नहीं चाहिए, तुम्हें वो क्या बात कर रहे हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए और इन सबको वो रोकने का थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। जावे के डैड है वो अंदर आ जाते हैं, मिस्टर वैन है वो अपने साथियों को लेकर अंदर आ जाते हैं। मिस्टर वैन है वो बोलते हैं इनके डैड से कि वो यार थोड़ा जल्दी आ गया, बट जो भी हो मुझे अभी तुम लोगों के वो फिनिश भी करना है और अपने साथियों के हाथ साथ में आया होता है जिनके हाथ में कड़े तलवार होते हैं। इनके डैड है वो बोलते हैं कि हमने आपकी फैमिली या फिर बिजनेस एसोसिएशन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया तो आप हमें कैसे मार सकते हैं। बोलते हैं कि अच्छा यही होगा, तुम अपनी फैमिली सील है वो मुझे दे दो और बिजनेस एसोसिएशन से पीछे हट जाओ। फैमिली सील वो चीज़ है जिससे बिजनेस एसोसिएशन के वारिस को चुना जाता है, जैसे अगर ये बुड्ढा मर गया तो इसका वारिस हो जाएगा बिजनेस एसोसिएशन का। यैंग टोंग और यैंग निंग, मिस्टर यैंग है वो बोलते हैं क्या तुम हमारे पूर्वजों की बातों पे वो अमल नहीं करना चाहते, मतलब तुम उनके नियमों को वो तोड़ रहे हो, मतलब उनके नियमों को तोड़ना गलत है। मिस्टर वैन है वो बोलते हैं कि मैंने अपना दिमाग है वो बना लिया, अब जो भी हो तुम्हें जो करना है वो करो। फिर वो अपने साथियों से बोलते हैं कि कोई भी यैंग फैमिली का बंदा है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। मिस्टर वैन के सारे बंदे है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इनमें से एक भी कोई बंदा है वो जिंदा है वो बच के नहीं जाने वाला है और वो सब उस पर वो अटैक कर देते हैं, सब एकदम बचने की कोशिश करते हैं पर ये बहुत ज्यादा जल्दी होता है। युगो वो बोलता है कि आप ये वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मिस्टर यैंग ने वो बहुत ज्यादा चाह और बहुत ज्यादा टाइम से वो मतलब एकदम प्रिजम में थे, मतलब कहें तो जेल के अंदर थे, अभी वो बाहर आए तो आपको एक साथ बैठ के अपना मामला है वो सुलझाना चाहिए ना कि फाइट करनी चाहिए। मिस्टर वैन है वो बोलते हैं कि आपने वो मेरी जान बचाई मिस्टर ली, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहता, बट मैं आपको एक एहसान करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप वो इस सबसे मैटर से है वो दूर रहे वरना आपको भी खतरा हो सकता है और फ्यूचर के लिए आपका अच्छा होगा। या ये वो आती है और बोलती है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अभी अभी ठीक हुए, आपको रेस्ट की जरूरत है। और वो बोलती है मिस्टर रैंग आपके साथ है वो बहुत ज्यादा लॉयल है। वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। मिस्टर वैन गुस्से में आ गए, वो बोलते हैं कि जाओ गार्ड सबको वो मार दो, जो भी इंटरफेयर करे बीच में उसको भी वो जिंदा मत छोड़ना, चाहे वो कोई भी हो मिस्टर ली हो या वो कोई भी हो, मतलब मार दो सालों को। सारे लोग है युगो और उसके सारे दोस्तों को तो हल्के में ले गए थे, वो सारे वो इन गार्ड के वो एकदम ले दे के बजा देते हैं। वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है कि मिस्टर वैन क्या हम वो ली युगो को भी वो खत्म कर दे। तो मिस्टर वैंग है वो बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, उससे मेरी जान बचाई, सारे यैंग्स को मारो उसको बिल्कुल भी नहीं। बंदा है वो बोलता है कि आपको पता हो तो ये इस बंदे को फाइव फैमिलीज के सारे बंदे है वो देख रहे हैं, अगर हम इसे फाइव फैमिलीज के हवाले कर दें तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिस्टर वैन है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसे वो मिस्टर मतलब फाइव फैमिलीज को दे देंगे और अपनी प्रोटेक्शन है वो मांग लेंगे और रईस के एहसान की बात में से जला के इसका एहसान पूरा कर दूंगा। जो वो बंदा होता है वो अपने हाथ से तीर का मान वो निकाल लेता है और युगो की तरफ है वो तान देता है उसे मारने के लिए और अपनी तीर को वो उसकी तरफ छोड़ देता है। तभी जावे है वो बोलती है कि मिस्टर ली अपने जरा पीछे देखो वरना कुछ हो जाएगा। फिर जो जावे है उसे आती है और बचा लेती है, जिसे देख के वो मतलब युगो वो बोलता है मिस्टर यैन आपने ये क्या किया। वो अचानक से मुड़ जाता है और उसे अपनी गोद में वो ले लेता है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे डैड है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है मिस्टर ली, प्लीज उसके दिमाग पे वो कुछ चढ़ गया तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। युगो बोलता है कि अब तो वो मरने वाला है। और जैसे उसका फादर ये सब देखता है कि उसको वो तीर लग चुकी है, उसका फादर है वो आता और बोलता है कि सबसे आपने वो तीर चलाना है वो बंद करो, मुझे अपनी बेटी को वो देखने के लिए जाना है। और वो अपनी बेटी की तरफ है वो भागते हुए जाता है बड़ी स्पीड से। युगो है वो एकदम शांत हो जाता है। वैन है वो अपनी बेटी के पास चले जाते और बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा सिली है वो कैसे हो सकती है, तुमने कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी तुम्हें पता भी है। तो वो बोलती है कि मेरी लास्ट विश चाहिए कि आप अपने माइंड में आ जाओ और यहाँ से वो चले जाए, बिना सबको वो कुछ भी आम पहुंचाने की गलती ना करें। इनके डैड है वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी की डेथ में शायद मेरी गलती, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये तुम मुझसे माफी मांग रहे हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा। मैं आगे एकदम से चिल्लाता और बोलता है कि यहाँ पे एक भी बंदा है वो बचना चाहिए, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनमें से एक की भी हड्डियां तक है वो दिखे ना, ऐसा कर दो। मतलब इसके साथ एक बंदा होता है पावरफुल होता है वो ये सब कह रहा होता है। ये लफ्ज पूरे करते ही पीछे से एक बंदा आता है और निंग के डैड के अंदर मिस्टर यैंग के अंदर एक तलवार है वो घोप देता है। मिस्टर यैंग है वो उनकी तो डेथ होना तो तय हो ही गया होता है। जो मिस्टर यैंग है वो बोलते हैं शी फैंग टोंगजिन तुम यहाँ पे
वो क्या कर रहे हो, मतलब तुमने मुझे मारने की है वो गलती है वो क्यों कर दी है, और तुमने वो मुझे मार दिया और उनकी है वो धीरे धीरे दर्द है वो बढ़ता ही जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होता है। वो बंदा है मिस्टर यांग को है वो नीचे है वो फेंक देता है और उस बंदी की एक झलक दिखाई जाती है हम लोग को। और यांग टोंग उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, तभी क्यूयो है वो बोलते हैं शिफेंग टोंग जिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है, मतलब मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल पे टॉप पे आता है, मतलब टॉप 3 या 5 में आता है। होटान स्टेट में अभी तक इसे कोई टक्कर है वो नहीं दे पाया है, तो इसलिए हमें जाना होगा। यूयो बोलते हैं कि अच्छा होगा कि हम अभी कमरे में जाओ और एक प्लान बना के यहाँ पे, वरना मर जाएंगे साले। मिस्टर वैन है वो बोलते हैं कि शिफेंग तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें इन सब में से वो एक को भी आसान मौत है वो नहीं देनी है, तुम सबको इन्हें तड़पा तड़पा के मारना, मतलब साले वो एक भी जिंदा ना रह जाए तुम्हारे सामने। शिफेंग कूदता है और उन सब पे वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, तो क्यूयो है वो एकदम उनके सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता हूँ, तुम इन सबको वो लेके अंदर चले जाओ। यूको उसे लेके वो अंदर जाने लगता है। शिफेंग वो एक लंबी सी जंप मारता है और क्यूयो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी मौत का वक्त है वो आ चुका है, उस पर वो अपनी तलवार है वो चला देता है। मतलब क्यूयो है वो बोलता है कि जो भी हो। फिर तभी वहाँ पे छतरी की एंट्री होती है, छतरी से मतलब आप समझ ही गए होगे कि कौन आ चुका है। शिफेंग वो एकदम पीछे से हट जाता है और वो बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई, कौन है वो मेरे काम के बीच में वो दखल बनने की कोशिश है वो कर रहा है, अगर वो अपना नाम है वो बताना चाहे तो बताए वरना फाड़ में जाए या फिर अपनी गए तो गाली मार। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जिगो की मेड को जिसका नाम है मैं अभी भूल गया हूँ, अगले एपिसोड में मैं इसके नाम के साथ ही शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा।